तो अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है रजत शेखर, आप देख रहे हैं गेमिंग सरदार फाइट और चैनल। तो गाइस एक सेकंड कैमरा एंगल सेट करता हूँ। हाँ गाइस, पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो क्यों मैंने वो क्यों मेरे ख्याल से शायद आपको जो मैंने जिसमें पॉपअप के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए थे शायद आपको उसमें देखने को मिला हो, मैं नाम अभी भी नहीं बताऊँगा। लेकिन यार मैंने उसकी अनबॉक्सिंग दो वीडियोस, एक शॉर्ट भी बना लिया है और लॉन्ग भी बना लिया है। अपलोड करने में यार सुस्ती आ रही है, वो बाद में करूँगा। फिलहाल टॉपिक पे चलते हैं, हाउ टू सेट अप रूबिक्स क्यूब। मेरा तो आ रहा है 320 है, वैसे मैं फ़िलहाल इसे करूँगा। तो अभी भी इसकी टर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी में लॉकअप्स टाइप है, इसको ल्यूब वगैरह भी करना है। इसकी तबीयत भी यार पसंद होगी मेरी। फिर गाइस पहले इस पर एक सॉल्व, एक सेकेंड सॉल्व एक दफ़ा इस पर करके देखता हूँ टर्निंग, उसके बाद में चेक करेंगे फिर कैसी लगेगी। ओके हो गया, अभी हम करते हैं। यार मैं सब 30 अब मुश्किल जाता हूँ, अब आराम से नहीं लेकिन मुश्किल जाता हूँ, लेकिन अब सब 40 जो है ना आराम से चल जाता हूँ। इस वजह से मैंने सब 40 की जो है ना एक वीडियो डाली थी। तो हाँ अब हम फिलहाल थोड़ा सा रह गया, मैंने कहा बातें करते रहते हैं। और हाँ जिसको बोर रही है तो रही है, आगे को निकल ले क्योंकि मैं बहुत दिमाग खाऊंगा। ओ भाई भाई हो गया। हाँ तो चलो अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको करना है क्लीन। अब यार तो सीधा हो गया। क्लीन करने के लिए आप इसका एक एज को 45 डिग्री पे कीजिए और खींच के निकाल लीजिए। अगर टाइट होगा, वैसे होता होगा अक्सर का, येरा स्क्रू येरा पेच यार क्या है, इसे इधर से लूज करके सेंटर को निकाल के लूज करके फिर आप इसको खोलिएगा, अगर आपका ज़्यादा टाइट हो तो, नहीं निकल रहा हो तो। इसे फ़िलहाल करते हैं डिसअसेंबल। वैसे मैं बहुत डिसअसेंबल कर चुका हूँ, लूज तो नहीं हो गया। लेकिन अभी सोचो यार इसकी मेरे से इतनी कमाल टर्निंग हो रही है, मेरे हिसाब से तो ल्यूब की वजह से हो रही है। ल्यूब्रिकेंट्स का अगर कोई बंदा, हाँ कोई बंदा कहता है ना कि ये क्यूब बाय करो, जैसे इन्फिनिटी क्यूब को देखेंगे क्या नाम है, जैसे मिरर क्यूब इस तरह का, क्योंकि अभी मेरा मिरर क्यूब का बड़ा है। और 4x4 भी एक और लेना है, वो भी लेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल डिसअसेंबल हो गया है, अब हमें करना क्या है। यार एक सेकंड, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अच्छी है। ओ सॉरी यार। हाँ तो फिलहाल गंदा सा बहुत हो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं है। फिलहाल अभी करना होगा इसका क्या नाम है क्लीन। हाँ फिलहाल इसको साइड पर करें। मैंने हाउ टू सेटअप वाला सिर्फ डाली है कि नहीं पता नहीं यार, डाली हुई तो ये वीडियो बकवास गई है। इसको फिर इसका क्या करेंगे, इसको भेज देंगे यार किसी को, अपने बंदे को। ओके फिलहाल यार मैं कपड़ा लाया। ओ भाई भाई आ गया गाइस कपड़ा। और हाँ गाइस एक सेकेंड यार, एक सेकेंड यार ज़्यादा ही दूर चला गया। ओके जो कह रहा है ना कि या तो फिर गाइस आप कमेंट करो मैं इसे ये नया बाय करूँ, ऐसे मिरर क्यूब का यार मेरा बड़ा दिल है और नया 4x4। और हाँ क्या ना मैं ये भी करूँगा इंशाल्लाह, और 2x2 तो करना ही करना यार। और बताओ इसे सेटअप का डालूँ कि नहीं डाल, अगर मैंने डाली ना तो कोशिश करूँगा कि नया लेकर ही डालूँ, क्योंकि नए को फिर सेटअप करूँगा वो अपनी टर्निंग के लिहाज से। फिलहाल हम इसके पीसेस को साफ करते हैं। कपड़ा लो, इसके पीसेस को सारी मैल उतार दो, ये जो यहाँ पे काला काला से दबे दबे से होंगे, दबे दबे से उन्हें उतारो। सही है, मैं मिलता हूँ क्लीन करके। और हाँ गाइस मैं तो एक चीज़ कहना ही भूल गया, वेरी थैंक्स फॉर 40 सब्सक्राइब। मेरे ख्याल से तो हो गए थे कल तक, तो थे 40, पता नहीं किसी ने अनसब्सक्राइब ना कर दिया यार। लेकिन यार वेरी वेरी थैंक्स फॉर 40 सब्सक्राइबर यार, मुझे अभी इतनी खुशी मिली है ना 40 की, जब मैं केस में जाऊँगा तो यार मिलियंस में जाऊँगा तो क्या खुशी मिलेगी। 40 सब्सक्राइबर पे मैं एक वीडियो तो लाऊँगा यार, व्लॉग मैं नहीं बना रहा यार, व्लॉग पता नहीं, व्लॉग बनाना भी नहीं चाहिए, अभी छोटा सा यूट्यूबर हूँ क्या व्लॉग बनाऊँगा।
हमारे बच्चे होके क्या व्लॉग बनाएंगे हैं, घर का टूर करना है, क्या करें यार व्लॉग में बताओ बस आप कमेंट करो यार क्या करें, वरना कुछ 40 सब्सक्राइबर के लिए सोचा तो है। 40 को यार मैं 40 को ही बहुत मान रहा हूँ यार, काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मान रहा हूँ 40 सब्सक्राइबर को ही। इस वजह से यार क्या नाम है, कुछ तो करना है 40 सब्सक्राइबर, कुछ तो करना है, कुछ करने के दिखाएंगे। वैसे कोर को हमने अपने हिसाब से सेटअप किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए नहीं, हाँ यार कर देते हैं, यार कर देते हैं यार, मैं बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कोर को छेड़ने का। वैसे गाइस हमारा क्यों हो चुका है फुल क्लीन, अब आपको कोर को लेना है ये कपड़ा देख जो आपके ने लिया था, उससे कोर को क्या अंदर है ना, इधर अच्छे से साफ कर लो, और स्क्रूज इसके सेंटर कैप्स इसके सेंटर्स भी यार मुझे हिचकियाँ बहुत आ रही हैं। चलो मैं तो अच्छे से साफ करता हूँ, और अगर आपको सेंटर कैप्स निकाल के करने हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर के सेंटर कैप्स में बहुत गंदगी होती है, और मेरे के में मेरे हिसाब से तो इतनी नहीं है, है लेकिन मैं नहीं करूँगा। चलो मेरे हिसाब से तो चमक गया, अब हम ऐसा कि ना ये पीस रह गया था, अब हम इसे असेंबल करना है। गाइस मैं तो सॉल्व स्टेट में नहीं कर रहा, आप लोग सॉल्व स्टेट में कीजिएगा, क्योंकि फिर मसला आता है कोई, मैं आगे चल के दिखाता हूँ असेंबल कैसे करना है। यूँ एजेस लगाओ, एक क्रॉस बनाओ, इस तरह सॉल्व में 3x3 में क्रॉस बनाते हैं ना, हाँ जी भाई, एक क्रॉस बनाओ, एक नहीं लेकिन RS3 पे इतनी आसानी से मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगा। हाँ, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, खैर फिलहाल तो इसी तरह करूँ, इसको यूँ करके कुछ तो करूँगा, कोई नहीं। इसके उसके बाद यहाँ से ये कॉर्नर्स लगाओ, यहाँ से कॉर्नर उतार के कॉर्नर्स लगाओ, पहले मैं पता नहीं कैसे करता था, लेकिन अब मुझे आ गया करना, आ गया ये इधर, मैं पता नहीं कैसे जोड़े पे जोड़े जा रहा हूँ, बस जो हाथ में आ रहा लगा रहा हूँ। ये कहाँ से निकला, अच्छा यहाँ से, ओके यार असेंबलिंग पता नहीं मैं सिखा रहा हूँ कि नहीं, कोई नहीं, हाउ टू असेंबल 3x3 उस पर भी एक वीडियो ले आएंगे, लेकिन आपके कमेंट करने पे ऐसे थोड़ी लेंगे ना, इतना भी यार फेला मतलब फेला हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए हूँ इस तरह का अभी नहीं यार। इससे साफ करके इसकी टर्निंग बहुत बेहतर आपको लगेगी, क्योंकि ये अंदर से इसका सारा गंद निकल जाता होगा, अक्सर होते हैं जो महीनों तक अपना क्यूब साफ नहीं करते, उनका क्यूब के लिए बहुत बेस्ट है एक सफाई, और ख़ासतौर पे अक्सर का मोयो बिलोंग होता है ना, मैंने देखा है जो मेरे कज़न हैं मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं यार मेरा क्यूब सही नहीं चल रहा, उसको सेटअप मैंने अपने को जाता हूँ ना कहीं इधर उधर, तो मेरा क्यूब तो सेटअप होता है, उसको मेरे की अच्छी टर्निंग लगती है, मेरे कज़न या फिर मेरे दोस्तों को यार मेरा भी ऐसा कर दो, और जब मैं उनका मोयो मिलाऊँगे RS3 या उनका कोई भी क्यूब सेटअप करता हूँ ना, तो वो अंदर से बहुत गंदा होता है। ये देखो मेरा भी इतना भी नहीं था, लेकिन था, उसकी टर्निंग क्या हो गई है मक्खन, कॉर्नर कटिंग भी आपका आधा काम यही हो जाएगा। अगर आपका नया क्यूब है और आप रिस्क नहीं लेना चाहते ना, तो मतलब आपका आप नहीं रिस्क लेना चाहते, तो आप बस इतना ही करो और ल्यूब का एक ड्रॉप डाल दो, ल्यूब का आप अगर जिसको ल्यूब चाहिए एक कमेंट कर दो ल्यूब, बस ल्यूब पर वीडियो आ जाएगी, ल्यूब कैसे करना है, क्या करना है, उसका कहाँ से लेना है, फ्री का कहाँ से लेना है, क्योंकि मैं कौन सा पैसे दे कर लेता हूँ, जिस तरह मैं ल्यूब उड़ा रहा हूँ उस तरह मैं पैसे दे कर ले लेता हूँ, आपको लगता है क्या यार। ल्यूब पर मुझे वीडियो बनाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं बना नहीं रहा, क्योंकि अब तो ल्यूब पे तो मैं सोच रहा हूँ तभी बनाऊँगा किसी के कमेंट पे। ये देखा ना, ये देखो क्रॉस में कभी ऐसा केस नहीं आता, दो लेयर सॉल्व है, इस वजह से मैं कहता हूँ उससे सॉल्व स्टेट में यार सॉल्व कर लिया करो, मतलब असेंबल यार।
मेरे ख्याल से कैमरा एंगल इतना अच्छा नहीं आ रहा, तो हम क्या कर सकते हैं यार, थोड़ी रोशनी ज़्यादा आ रही है, ये क्या सही रहेगा? हाँ, अब सही है मेरे हिसाब से, अंधेरा बहुत आ रहा है यार। यार फुल स्लाइड ही हो गया है यार, बस आधा काम यार आप लोगों का इधर ही हो जाएगा, क्यूब साफ करके, जिनका और जिनका नया है ना, क्योंकि गाइस जो नया क्यूब होता है वो भी साफ ही हुआ होता है तकरीबन। ये क्या हुआ अबे यार, ये पैरिटी ऐसी 4x4 में आती है, एज पैरिटी या कॉर्नर पैरिटी जो भी कहें, यार अंधेरा ज़्यादा ही नहीं हो गया? देखूँ हाँ, अब थोड़ा सा बेहतर है, बेहतर लग रहा है यार आप लोगों को। ये देखो इसकी आधी टर्निंग यहीं पे बन गई है। हाँ अब क्या करना है, निकालो यार, एक सेकेंड यार, मैं बेचारे को गिरा दिए। हाँ इसके डब्बे के साथ आता होगा एक एक्सेसरी बॉक्स, इस एक्सेसरी बॉक्स में यार एक तो इसका क्या कसूर है मुझे समझ नहीं आ रहा, इस बेचारे को क्यों कूट रहे हैं सारे। ये देखो ये जो है ना एक्सेसरी बॉक्स, इसको निकालो आप, ये पेज का सा इसको साइड पे रख दो, ये कुछ काम का नहीं है यार। ब्राइटनेस मेरे ख्याल से नहीं, नहीं एंगल कैमरा का यार, वो रोशनी ज़्यादा हो रही है ना उधर से। अब यार हाँ ये एक टेंशनिंग टूल होगा, ये देख लो, ये आपको चाहिए। सारे सेंटर कैप्स को निकालो, ओके इसको निकालो, फिर आपका काम होगा, सेंटर कैप्स को निकालो, फिर आपने अपने आरएसटीएम के सेटिंग को पक्का छेड़ा होगा। तो गाइस फिलहाल तो मैंने, अब करना क्या, इसकी टर्निंग इसके टेंशन्स पर भी मैटर करती है, इक्वल टेंशन्स नहीं होंगी। सबसे पहले फिर आपको करना क्या, दो टेंशन हैं जो सी आपको बेहतर लगे। पहला तरीका है आपको, यार ये मैं बताने का दिल नहीं चाह रहा, हाँ सारे स्क्रूज को फुल खोल लो, फुल ऊपर तक, जिस तरह ये निकल हाथ में आ जाए ना उतना खोल लो, फिर इसे लगा दो। उसके बाद यार मैंने जिसका सेटअप कर रहा हूँ ना उसकी वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा। ये स्क्रूज वाला जो है ना हिस्सा, ये आप उससे देख लीजिएगा, उस बंदे का सही है, कमेंट सेक्शन में उस बंदे की वीडियो का लिंक होगा, उससे देख लीजिएगा। फिलहाल हाँ आगे क्या करना है, दो तरीके हैं यार, क्योंकि वो बड़ा ही यूट्यूबर है, नहीं यार मैं उसका लिंक नहीं दे रहा, मैं आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। स्क्रूज को आपने अपने हिसाब, स्क्रूज को आप अपने हिसाब से कर लो सेट। अब आपको जो इसका एन है ये ब्लू, सबसे पहले आपको इसको 0 या 1 पे कर, एक ही बात है 0 या 1, आप इसको करते रहो, एक बड़े से क्लिक की आवाज़ आएगी, हाथ ऊपर से नीचे जाएगा और ये नीचे आ जाएगा फुल, उतना पे आपको सारे को कर लेना है 0 या 1 पे। आ गया टेंशन सारों की, आ गया आ गया हो गया आ गया। अब देख लूँ ज़रा सारे सही हैं। पहला तरीका यही है, आप या तो फिर 0 पे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो 0 पे कर लो, लेकिन 0 इतना अच्छा भी नहीं है, अगर आपको लूज पसंद है तो आप 0 पे रख सकते हो अपनी टेंशन को, अपने टेंशन के हिसाब से। लेकिन जो मैं जिस सेटअप यूज़ करता हूँ वो है 0 पे कर दिया। अब यार अब इसको करो 1 2 3 4, इस पर 4 क्लिक्स करो, 1 1 2 3 4, सारा से सारी साइडों से यही कर देना है, 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
एक सेकंड, ये अभी आप, मैं इसे सही कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये देखो भाई साहब, ये बहुत, अभी इसकी बहुत अच्छी टर्निंग है, और जब मैं इसे लियो करूँगा तो फिर क्या होगा, तो लियो भी हमारे पास DNM 37, आइए DNM 37, यार इस पर मैंने पर्ची खुद ही चिपकाई है यार, मैं आपको इसका सीक्रेट नहीं बताना चाह रहा, बल्कि इसी लॉन्ग में बताऊंगा, जिस जिसने ये इस ये लॉन्ग देखी, ये बहुत नसीब वाला बंद होगा। DNM 37 होममेड है, कसम से यार, मैंने इसे घर पे बनाया है, और जो फिर ये काम करते हैं ना, ये वरना देख लो, मैंने इसे मसूद वालों की पता नहीं शीशी में डाला हुआ ड्रॉपर के लिए। अब आपको करना क्या है, फिलहाल इसके सारे सेंटर्स लगा दूँ, सेंटर्स लगा दिए जी गाइस, एक सेकेंड, इसके सारे सेंटर लगा दो पहले आप। गाइस हो गए, इसके सारे सेंटर्स लग गए, अभी से इसकी टर्निंग इतनी कमाल है, लियो करने के बाद क्या हो जाएगी यार, ये क्यों इतना बुरा आ रहा है, देखता हूँ। हाँ गाइस, अब हमें क्या करना है, इसका एक सेंटर पीस निकाल लेना है, दोबारा कह रहा हूँ यार, अगर टाइट हो तो लूज़ कर लीजिएगा। और हाँ गाइस, क्या पता आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल भी जाए उस बंदे की वीडियो का। तो अभी आपको DNM 37 का पकड़ना है, ये मैंने एक बच्चे की वीडियो देखकर बनाया था, इसका वैसे एक ड्रॉप भी मैं क्यूब में डाल देता हूँ ना, वो बहुत है। अभी मैं इसे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे ख़ास तौर पे इसके ये इस वाइट वाले पे जो है ना इंजेक्शन है, तो आप इसको इंजेक्शन में फिल करके इधर कर लीजिएगा, मेरे पास भी इंजेक्शन है लेकिन मैं नहीं उसे फ़िलहाल इस्तेमाल करना चाह रहा। ओके हो गया, ये एक एज ल्यूब हो गया, फिलहाल तो मैं इसे साइड पे रख रहा हूँ, कॉर्नर ल्यूब करते हैं। हाँ हो गया, आ गया, ओके हो गया, पूरे कॉर्नर को सिवा इसके बाहर की साइडों को, बल्कि बाहर की साइडों को भी कर लो, कोई नहीं है, फिर एंड में बताता हूँ क्या करना है। मैंने भी बाहर की साइडों पे लगा दिए ल्यूब, अब इसको लगा देना है, इसके बाद इसको भी लगा देना है। लगाने में मसला हो गया, क्योंकि मैंने तो फिलहाल इसको साइड पे करते हैं, अब कपड़ा लो, जो एज पे बाहर को लगाया था ना उन्हें साफ कर लो, बाहर से पूरा क्यूब साफ कर लो, उसके बाद टर्न करो। आहा आहा आहा, फुल स्लाइडी होगा और फुल स्मूथ होगा, और यहाँ पे आपका क्यूब हो जाएगा सेटअप। और अगर आपको सेटअप करने में, एंड में गाइस एक टिप दे दिया मैंने, क्योंकि अगर आपको सेटअप नहीं करना ना, तो आपको बस एक कमेंट करना है यार, प्लीज कर देना, या तो फिर एक कमेंट करना है, या तो फिर आप बस सब्सक्राइब कर देना, और अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो सही है, लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे चलो 5 लाइक आ गए ना, मैं ल्यूब बनाना सिखा दूंगा, उसके बाद आप बस एक ड्रॉप डालो इस ल्यूब का, और आपका ल्यूब कमाल एफर्टलेस टर्निंग हो गई यार, इसकी स्पीड आप बस चेक कीजिएगा यार, ये देखो अब यार, यार ये जैसे ना स्लाइड है। फिलहाल कॉर्नर कटिंग चेक करते हैं, 45 डिग्री, शॉर्ट कैमरा एंगल 45 डिग्री,
उससे आगे नहीं नहीं अब डाउन कॉर्नर कटिंग 45 डिग्री नहीं जा रही, उससे थोड़ा पहले ओके आराम से यार डाउन कॉर्नर कटिंग सेंटर के देख लो, ये सेंटर के बाहर है जब मैं हाथ लिए भी हुए नहीं हुए ना इस वजह से ना ना इतनी भी अच्छी नहीं है। 45 डिग्री तो आराम से कॉर्नर कट कर रहे हो ऊपर की साइड, अब कॉर्नर कटना 45 से आगे भी कर रहा है इस पे गाइस। अगर आप कहोगे तो लियोब आपको बनाना सिखा देंगे, उसके बाद ये जो है ना आपकी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ हो जाएगी कि आपको एक लियोब बनाने आ गया है। तो गाइस फिलहाल मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।